लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अपने को क्वेश्चन क्या गिवन है कि किसी एक्यूट एंगल ए के लिए, या एंगल स्पेसिफाई किया गया है कौन ए, किसी एक्यूट एंगल ए के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 होते हैं। देखिए 1/1 यहाँ पे लगे हुए हैं, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें क्या करना है, इसमें से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किसके टर्म में लिखनी है, सेक ए के टर्म में लिखनी है। मीन्स अपने को क्या गिवन है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन सभी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में लिखनी है, सेक ए में लिखनी है। मतलब कुछ भी करके आपको साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में लिखनी है, सेक ए में। लेकिन यहाँ पे अपने को करना क्या है, सेक ए के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आंसर में। मतलब साइन की वैल्यू डायरेक्ट किस में लिखनी है, सेक में। तो डायरेक्ट साइन ए इक्वल टू सेक ए तो नहीं आ सकता, तो इसके साथ कुछ नंबर्स वगैरह आ सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, ये नंबर कुछ भी आ सकता है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है, कोई पावर भी आ सकती है, डजंट मैटर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं कि सर हमारे तो समझ में ही नहीं आया। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो रिलेशन होता है ना वो याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं है। तो 1/1 आप क्या करेंगे, जूम इनको देखिए, लिखिए, वीडियो पॉज करिए, पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में रिलेशन लिखिए, उसके बाद साइन टेन और कॉट की आपस में ये देखिए, साइन और कॉस के साथ जो फॉर्मूले हैं वो लिखिए, उसके बाद आइडेंटिटी को लिखिए। ये 1/1 सारे फॉर्मूला आप नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। याद करने का तरीका बताऊं, एक बार आप देख लीजिए इनको सही से, अगर बहुत ही अच्छे से याद करना है तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में जाएं, मैंने लिंक शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने याद करने की ट्रिक बताई है इनको, वहां से 1/1 आप वीडियो देखिए। इवन आपको अगर कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को साइन ए की वैल्यू अपने को चेंज करनी है किसमें, सेक ए में। अगर मैं साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, 1/ कॉसेक ए, यही तो होता है। लेकिन कॉसेक ए का रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है, किसी भी तरीके से देखिए, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बना सकते हैं आप, तो इसलिए ये वाला नहीं लगेगा इसके अंदर, राइट। साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है और कॉस का रिलेशन साइन के साथ होता है, किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ। तो आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही तो आइडेंटिटी है। यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर हो गए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं, डॉट 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 करके ब्रैकेट में ये लिखिए। लेकिन अपने को आंसर किस में लाना है, सेक ए में लाना है। तो कॉस और सेक में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, कॉस ए जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/ सेक ए का होल स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे कितना, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर ही क्या आएगा, एलसीएम आएगा, सेक स्क्वायर है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1, अलग अलग स्क्वायर रूट लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, नोट करिए इसे, ये हटा देता हूँ मैं। अब बताइए डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर है तो कितना बचेगा, सेक है। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है बीच में, तो ना तो सेक आएगा ना 1 आएगा, तो एक साथ वैल्यू आएगी क्या, सेक स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू चेंज हो गई किसके, साइन ए।
देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है फॉर्मूलाज पर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल है, नहीं याद है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखें, अब अपने को कॉस की वैल्यू डायरेक्ट किस में लिखनी है, सेक में लिखनी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉस ए, देखिए फॉर्मूला हमें मालूम है, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो कॉस ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1/sec। नोट कर लीजिए, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। लॉलीपॉप राइट। अब देखिए, अब अपने को टेन ए की वैल्यू बतानी है किसके टर्म में, सेक के टर्म में, तो टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। आप बोलेंगे कि सर 1/cot ए भी तो होता है, लेकिन cot का रिलेशन sec के साथ नहीं है अभी यहाँ पर, तो इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे, साइन ए अपॉन cos ए। राइट, साइन ए की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं, तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आई है बताइए भाई, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए अपॉन cos की वैल्यू किसके बराबर आई है, 1/sec ए के बराबर। इज दैट क्लियर? इसमें हम प्रीवियस जो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं उसका रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं किसके बराबर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 है ना अपॉन sec ए। तो sec ए से sec ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, tan ए। tan ए इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, tan ए की वैल्यू, है ना। दूसरा तरीका देखिए, tan और sec में एक रिलेशन होता है, 1/tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए, ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर ए प्लस का बने उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ से tan ए किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हैं। सर ये वाला बढ़िया है, ये वाला अगर बढ़िया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखें टीढ़ी टीढ़ी। अब देखें यहाँ से हम cot a की वैल्यू निकालेंगे, राइट, cot a का जो रिलेशन होता है वो tan के साथ क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो हम tan की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, tan की वैल्यू किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। अब तो इजी लग रहा है, हाँ इजी लगना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से सब कनेक्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही तो प्रॉब्लम है कि आप आंसर किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डायरेक्शन इन द सेंस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टर्म में आप आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी कि आप कितना आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये किसकी वैल्यू आ गई, cot की आ गई, अब बात करेंगे किसके, cosec के। तो देखिए cosec का डायरेक्ट रिलेशन साइन के साथ क्या होता है, 1/sin a, और साइन ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है बताइए भाई, साइन ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, यही तो आई थी साइन की वैल्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए, sec ए किधर चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, cosec की वैल्यू आ गई, cosec की वैल्यू कैसे निकाली, पहले जो sin की वैल्यू थी ना वहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, डायरेक्ट यूज़ कर लिया sin की वैल्यू, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।